अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर की जा रही है न्यू कराची स्पेशल बिरयानी, जो कि है खत्री बिरयानी। खत्री कम्युनिटी की स्पेशल ख़ास बिरयानी है, बिल्कुल अलग तरीके से तैयार की जाएगी और इसका कलर भी चेंज है, इसका जायका भी, तरीका भी अलग है और पकाने का तरीका भी अलग है। तो चलिए देखते हैं ये बिरयानी कैसे बनेगी, क्या क्या इंग्रेडिएंट इसके अंदर हम शामिल करेंगे और किस तरह से ये बनाएंगे। सारे स्टेप फॉलो कीजिएगा इस वीडियो के साथ, एंड तक रहिएगा। तो देखते रहिए कुकिंग विद अनीला। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। इसके साथ साथ अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर हिट कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दिया करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद अनीला। आप सब कैसे हैं, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के साथ सबसे पहले हमने इसमें बीफ या मटन हड्डी वाला हमने इसमें शामिल कर दिया है। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन और 2 से 4 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट और होममेड गरम मसाला। बिरयानी खत्री बिरयानी वाले अपना ख़ास मसाला डालते हैं और मैंने ये अपना होममेड गरम मसाला शामिल किया है। इसके साथ धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून वो शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें रेड चिल्ली पाउडर, लाल मिर्चें 1 टेबलस्पून ही इसमें क्रश चिल्ली, कुटी हुई लाल मिर्च 3 टीस्पून, हल्दी पाउडर, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से और इमली और आलू बुखारा दोनों इसमें शामिल किया है। कमर्शियली तौर पे यही चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। आधा कप दही इसमें शामिल कर दिया है और 1/2 kg के करीब या 5 बड़े साइज़ के टमाटर इस तरह से स्लाइस कट करके वो शामिल कर दिए हैं। याद है इसमें अभी हमने ऑयल, घी, इस तरह का कोई भी फैट अभी हमने इसमें शामिल नहीं किया है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इस बिरयानी का कलर ऑरेंज नहीं होता, येलो होता है। या तो इसमें हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा होगा या फिर इसमें येलो फूड कलर हम शामिल करेंगे। हाई फ्लेम पे क्विक बॉयल ले आएंगे, 1 से 1.5 गिलास पानी इसमें शामिल कर दिया है। शामिल करने के बाद जैसे इसमें बॉयल आएगा इसमें हम डालेंगे साबित गर्म मसाले। वो हम इसमें क्या क्या शामिल करते हैं देखते हैं। तो ये है मेरे पास लौंग, बादियान के फूल, हरी इलायची, काली मिर्च, इसके साथ साथ ये है 1 मैक का पीस, थोड़ी सी दालचीनी है, 2 पीस बड़ी इलायची के हैं और सफ़ेद ज़ीरा इसके साथ हमने शामिल कर दिया है। इसके साथ ये बे लीव्स हैं, तेज़पत्ता और साथ साथ ये शाही ज़ीरा। ये सारे स्पाइसेस गरम मसाले खुशबू वाले हैं, वो तमाम चीज़ें इसमें शामिल कर देंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे कवर कर देंगे और कवर करके 35 से 40 मिनट तक पकाएंगे, उस वक्त तक या फिर जब तक कि हमारा ये जो बीफ या मटन है वो 70 से 80% तक ना गल जाए। अच्छे से इसे कवर कर देंगे, मीडियम लो फ्लेम पे कुक करेंगे और आ जाएंगे सेकेंड स्टेप पे, तो वो है झोल लगाना। कमर्शियली लैंग्वेज जो होती है ना, वो बिरयानी के ऊपर जो मसाला डालता है उसे कहते हैं झोल लगाना। तो ये गरम मसाला, जायफल, जावित्री और बादियान का पाउडर था, वो दोनों मैंने इसमें शामिल कर दिया है। 1/2 kg के करीब प्याज थी जो ब्राउन करके रखी हुई थी, 2 हैंडफुल इसमें मैंने अपना धनिया बारीक कटा हुआ डाला है, 1 हैंडफुल इसमें मिंट और 10 अदद मैंने हरी मिर्चें, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को मिक्स करके एक साइड पर हम रख देंगे। देखते हैं प्याज हमने इतना क्रिस्पी फ्राई किया है कि ये हाथ से ही अच्छे से इस तरह से दबा के मसलेंगे तो ये बिल्कुल बारीक हो जाएगा। तो इंशाल्लाह इसकी वीडियो भी बहुत जल्द आपके साथ शेयर की जाएगी। तो बकरे स्पेशल है, इस मसाले को आप मैरिनेट करके 1 दिन पहले भी रख सकते हैं या फ्रीज़र कर सकते हैं। आ जाते हैं 3rd स्टेप पे, जो कि है दही का मसाला तैयार करना। इसमें येलो फूड कलर और केवड़ा वाटर मैंने शामिल किया है 1/2 कप दही के अंदर। अगर येलो कलर ना हो तो आप इसमें 1 टीस्पून भर के हल्दी भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑरेंज कलर नहीं शामिल करना, ये येलो रंग की बिरयानी होती है, इसका रंग पीला होता है, तो लिहाजा इसमें हम और कोई फूड कलर शामिल नहीं करते। 35 मिनट के बाद गोश्त के अंदर अच्छा खासा फैट निकल के आ चुका था। ये देखिए गोश्त का अपना फैट है, ये अच्छे से निकल चुका था। तो इतना ही बस, हमारा ये बीफ तैयार हो चुका था, कम से कम 50% ये गल चुका था। अब इसमें हम शामिल कर देंगे आलू। जिस घर में बच्चे हों तो वहाँ आलू ज़रूर शामिल करने चाहिए, क्योंकि बच्चों की फेवरेट चीज़ होती है आलू खाना। तो लिहाजा मैंने अपनी बिरयानी में आलू शामिल किए हैं और हमेशा करती हूँ। 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर इस स्टेज पे डालेंगे, स्टार्ट में नहीं डालिएगा वरना आपका मसाला नीचे लग जाएगा। ये सारी चीज़ें शामिल करके 1/2 गिलास मैंने इसमें पानी अभी शामिल किया, 1 गिलास के करीब इसमें पानी शामिल था। कवर करके 50% आलू गलने तक पका लेंगे। आलू हमारे 50% तैयार हो चुके थे, अब इसे हम शिफ्ट कर देंगे दूसरे बड़े बर्तन में जिसमें हमें बिरयानी की तह लगानी है। तो जब तक मैं बर्तन में शिफ्ट कर दिया है, इसके बाद अब इसके अंदर देखिए पानी इतना इसमें रहना चाहिए, कम से कम 1 गिलास पानी। अब 1/4 कप ऑयल जिसमें मैंने प्याज ब्राउन की थी वही ऑयल है,
वो इसमें शामिल कर देंगे। उसके बाद ये जो झोल का मसाला हमने तैयार किया था ब्राउन अनियन का, वो उसके ऊपर अच्छे से फैला देंगे चारों साइड पर। इस तरह से फैलाना है कि बिरयानी के तमाम साइड पर ये मसाला अच्छे से फैल जाए। इसके बाद जो दही हमने हल्दी या कलर वाला बना के रखा था वो इसके ऊपर अच्छे से शामिल कर देंगे इस तरह से चारों साइड पे, और इसे कवर करके फ्लेम ऑफ कर देंगे और एक साइड पे कर देंगे। आ जाएंगे राइस बॉईल करने की तरह। तो पानी मैंने लिया है, इसमें मैंने चावलों के हिसाब से नमक शामिल किया, लौंग शामिल कर दी है, इसके साथ ही ये सफ़ेद ज़ीरा, छोटी हरी इलायची, काली मिर्चें, ये है दालचीनी और तेज़पत्ता। ये तमाम चीज़ें शामिल करके एक क्विक बॉयल आ जाएगा। जैसे ही इसके अंदर अच्छे से बॉयल आने लगेगा तो राइस शामिल कर देंगे। अगर बासमती राइस है तो 2 घंटे से पहले 1 घंटा आप भिगोइए, और अगर सेलर राइस है तो 3 घंटे या 4 घंटे राइस भिगो के रखिए। सेलर राइस को कुछ भी नहीं होता। इंशाल्लाह जो न्यू बनाने वाले हैं वो अगर सेलर राइस इस्तेमाल करेंगे तो उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा बिरयानी बनाना, क्योंकि बासमती राइस हैंडल करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। अब बारी आती है इसे कितना कुक करना है। तो इस बिरयानी के अंदर फर्स्ट स्टेज पर चावल जो है वो हम 3 कनी तक कच्चे रखेंगे, यानी 1 कनी कच्चा चावल पकाएंगे, 3 से 4 कनी चावल हम कच्चा रखेंगे और उसे अलहदा निकाल के रख लेंगे। तो ये जब चावल हमारे 3 से 4 कनी कच्चे हैं, 1 से 2 कनी अभी चावल पके हैं, तो इसे हमने सेपरेट कर लिया था। इसके बाद हम चावल को सिर्फ 1 कनी पकाएंगे, 1 कनी कच्चा रखेंगे, बाकी पूरे चावल हम इसे कुक कर लेंगे। तो पहले जो हमने 3 कनी या 4 कनी कच्चे चावल रखे थे वो शामिल कर देंगे, जिसमें 1.5 गिलास पानी शामिल है और मसाले की अपनी ग्रेवी है। तो ये इसी ग्रेवी के साथ ही हमारे राइस जो है वो कुक हो जाएंगे। अगर हमने 100% कुक करके शामिल किया तो राइस जो हमारे नीचे वाले राइस होते हैं वो जल्दी कुक हो जाएंगे और नरम हो जाएंगे। अब आप डन करे हुए जो थे चावल, 1 कनी कच्चा राइस था वो शामिल किया है। इसके बाद हमने इसमें 1/4 कप ऑयल शामिल किया और जो झोल का थोड़ा सा मसाला बचा के रखा था वो इसमें शामिल कर देंगे, और येलो फूड कलर और केवड़ा वाटर का पानी बना के रखा था वो मैंने एक साइड पे शामिल किया है बस। अब इसे हम 1/2 आवर के लिए दम पे रखेंगे। पहले 5 मिनट हम तेज़ आंच पे और उसके बाद 1/2 घंटा हम इसे लो फ्लेम पे, और 5 मिनट के लिए ऐसे ही स्टीम में छोड़ देंगे, और 5 से 10 मिनट के बाद ही हम चावलों को सर्व करेंगे। चावल को थोड़ा सा ठंडा करके सर्व कीजिएगा। गरम गरम राइस अगर आप सर्व करेंगे बिरयानी के तो आपके राइस जो है वो टूट जाएंगे, थोड़े से ठंडे हो जाएं। उसके बाद चावलों में चमचा लगाइए, सर्व कीजिए, तो आपके चावल कभी नहीं टूटेंगे, एक एक दाना खिला हुआ रहेगा। और राइस के ऊपर ऑयल इसलिए शामिल किया था कि राइस हमारे खिले रहें, चिपके ना और अच्छे बने। तो ये देखिए इसका कलर बिल्कुल नॉर्मल बिरयानियों से डिफरेंट है ये, क्योंकि बिल्कुल येलो कलर के साथ या हल्दी के साथ बनाई जाती है, तो इसका राइस का जो कलर होता है वो पीला होता है, उसका टेस्ट जो होता है ना वो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी होता है। इंशाल्लाह ये बिरयानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस बकरीद स्पेशल पे ये बिरयानी ज़रूर तैयार कीजिएगा। अगर गेस्ट आने वाले हों तो इस बिरयानी को आप वैसे ही मैरिनेट करके तमाम मसाले लगाकर 1-2 दिन के लिए फ्रीज़र कर दें, और जब आपके घर गेस्ट आएँ तो बस कोरमा तैयार कीजिए और राइस बॉयल करके इसकी तह लगाइए और सर्व कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको बकरीद के हवाले से पसंद आई होगी। इस रेसिपी के हवाले से कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे DM कर दीजिएगा, वहाँ भी मैं आपको जवाब दे दूँगी। इसके अलावा अगर आपको इसकी क्वांटिटी और रेसिपी के अंदर जो इंग्रेडिएंट क्वांटिटी है वो जानना हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए। तो दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए, कुकिंग विद अनीला, अल्लाह हाफिज़। सामने आओ ना, आपको ये जरूर बनाकर खाना चाहिए, मजा आया आप खाके? जी हाँ। आपकी फेवरेट है? जी हाँ। चलो ठीक है, थैंक यू। एवरीवन शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय बाय।